तेहरान, इस्फहान, किरमान, शिराज, कूम, बुशहर, यज्द। इस वक्त ईरान के 25 शहरों में ऐसा अलर्ट है, एक ऐसी घड़ी टिक टिक कर रही है जिसमें हमले वाले अलार्म की घंटी नहीं बजेगी। इस घड़ी का कंट्रोल इजराइल के पास है। ये वो टाइम बम है जिसके टारगेट पर पूरा ईरान है। लेकिन इजराइल के बम को देखने के बाद भी ईरान में कोई सायरन नहीं बज रहा। ईरान में सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन असली खतरा सिर्फ और सिर्फ ईरान के पावर सेंटर में मंडराता हुआ नजर आ रहा है। आखिर ईरान में क्या होने जा रहा है? क्या ईरान पर इजराइल का हमला आज ही होने वाला है? क्या इजराइल का बदला लेने वाला हथियार एक्टिव हो चुका है? इजराइल में हो रही एक एक हरकत पर ईरान नजर रख रहा है। उसकी टेंशन बढ़ गई है क्योंकि अब अमेरिका ने इजराइल के बदले वाले बटन को खुद दबाने का फैसला किया है। बाइडेन ने अपनी सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल माइकल कुरिल्ला को जब से तेल अवीव भेजा है, युद्ध का दायरा ईरान से बाहर जाने का खतरा बढ़ गया है। मैसेज यह है कि अगर ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ तो अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होगा, जबकि दूसरी तरफ पुतिन पूरी तरह ईरान की ढाल बनकर खड़े होंगे, या कहें कि ईरान और इजराइल युद्ध अमेरिका बनाम रूस की जंग बन जाएगी। ईरान की एक एक मिसाइल का बदला लेना चाहते हैं नेतन्याहू। ईरान के एक एक हमले का जवाब देना चाहता है इजराइल। ईरान के मिसाइल अटैक ने इजराइल के आक्रामक छवि वाले रॉब को तार तार कर दिया है। यही वजह है कि अब इजराइल हमले के लिए बेकरार है। ईरान का इजराइल पर हमला 1 अक्टूबर को हुआ और ये बात तय है कि इजराइल नवंबर तक इंतजार नहीं करेगा। इजराइल ईरान को मौका नहीं देगा, वो पहली फुर्सत में हमला करेगा। लेकिन क्या ईरान खामोश बैठ जाएगा? बिल्कुल नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी वार्निंग दे चुके हैं कि इजराइल की दूसरी गलती उसका आखिरी ब्लंडर होगा। ईरान पर हमले के लिए इजराइल की एयरफोर्स और खुफिया एजेंसी मुसाद पूरी तरह एक्टिव है, यानी ईरान पर हमला होगा और जबरदस्त होगा। पहला सवाल है कि इजराइल कब हमला करेगा? यह हमला दिन में होगा या फिर रात में किया जाएगा? दूसरा सवाल है कि इजराइल ईरान पर कहां हमला करेगा? तीसरा सवाल है कि इजराइल के टारगेट पर कौन कौन है? इजराइल की सेना इस वक्त कई फ्रंट पर लड़ रही है, उसकी एयरफोर्स पर भी दबाव बहुत ज्यादा है। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इजराइल को फैसला करना है कि उसका जवाबी हमला किस लेवल पर किया जाएगा, किस तरह के टारगेट वो चुनेगा। इजराइल के टारगेट पर ईरान के बहुत ही खास ठिकाने हैं। इसमें ईरान के परमाणु रिएक्टर सबसे पहले नंबर पर है क्योंकि उसे खतरा है कि ईरान एटम बम बनाने वाला है। दूसरे नंबर पर है ईरान के तेल ठिकाने यानी रिफाइनरी, तेल डिपो, जो ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला हमला होगा। तीसरे नंबर पर है ईरान के सीक्रेट अड्डे यानी सैन्य अड्डे, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बेस, उनके एयर बेस। इजराइल के चौथे नंबर का टारगेट है ईरान के मिसाइल बेस, जहां से ईरान अपनी मिसाइल फायर करता है। लेकिन ये टारगेट आसान नहीं क्योंकि ईरान का मिसाइल लॉन्चिंग नेटवर्क बहुत कुछ अंडरग्राउंड है। पांचवें नंबर पर बहुत ही खास टारगेट यानी ईरान का नेतृत्व। इजराइल ने जिस तरह हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला को मारा है, इजराइल कोशिश कर सकता है कि ऐसा ही हमला वो ईरान की लीडरशिप के खिलाफ करे। यही वजह है कि ईरान के कई शहरों में इस वक्त इजराइल की घड़ी की टिक टिक गूंज रही है। तेहरान से लेकर इस्फहान और किरमान से लेकर शिराज, कूम से लेकर बुशहर और नतांज तक एक एक न्यूक्लियर प्लांट और ईरानी सेना का अड्डा अलर्ट पर है। ईरान के कम से कम 25 शहरों में डिफेंस का जर्रा जर्रा हरकत में आ चुका है क्योंकि ईरान वो टाइम बम लेकर तैयार है जिसके टारगेट पर पूरा ईरान है। इजराइल किस हथियार का इस्तेमाल करेगा? क्या यह हवाई हमला होगा या फिर ऐसा खुफिया ऑपरेशन जिसे मोसाद अंजाम देगा? अभी इजराइल में यही सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, ईरान का कौन सा हथियार ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होगा। इस वक्त ईरान के लिए ये डिकोड करना सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। और जब ईरान पर हमले की बात हो और ऐसे में इजराइल की फोर्स से मिलने के लिए जो बाइडेन के कमांडर का तेल अवीव आना अपने आप में बड़ा मैसेज है।
इसराइल के आर्मी चीफ से मिलकर अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल कुरिल्ला ने जो फैसले किए हैं उसे ईरान में बड़ी साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान का दावा है कि गाजा से लेकर लेबनान तक अमेरिका इसराइल के साथ मिला हुआ है। ईरान का दावा है कि अगर अमेरिका ने इसराइल के हमले में मदद की तो वो खाड़ी में उसके ठिकानों पर मिसाइलों की बरसात कर देगा। ये युद्ध की ऐसी चिंगारी है जो पूरी दुनिया को जला सकती है, ये बात पुतिन भी जानते हैं और बाइडेन भी। लेकिन युद्ध को काबू में करने की बजाय इस वक्त ईरान और इसराइल में ऐसी मीटिंग हो रही है जो सिर्फ और सिर्फ युद्ध को और तेज करेंगी। पेंटागन से लेकर इसराइल के वॉर रूम तक घंटों मीटिंग हुई और अब भी चल रही है। तेहरान को जवाब देने के लिए कि अमेरिका भी उतने ही प्रेशर में है जितना इसराइल है, ये बड़ा सवाल है। दुनिया पिछले 3 वर्षों से युद्ध झेल रही है। 2022 रूस ने यूक्रेन पर हमला करके पूरे यूरोप को डरा दिया। 2023 हमास ने इसराइल पर हमला किया और तब से युद्ध जारी है। सवाल है कि अगर 2024 में ईरान और इसराइल का युद्ध हुआ तो क्या वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी? 2022 में तो दुनिया वर्ल्ड वॉर से बच गई, 2023 में भी गाजा युद्ध के बाद विश्व युद्ध नहीं हुआ। ऐसे में क्या 2024 सभी जंगों का बॉइलिंग पॉइंट बनेगा और ईरान इसराइल युद्ध के साथ विश्व युद्ध भी शुरू हो जाएगा? ईरान के मिसाइल पावर से इसराइल बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, ये बात बाइडेन और पुतिन दोनों जानते हैं। ईरान ने जिस तरह से इसराइल पर हमला किया उसे तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान की नई मिसाइल खैबर शिकन, फतेह और खुर्रम शहर 4 पर इसराइल का पूरा फोकस है। ये टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान की बहुत ही खतरनाक मिसाइल मानी जाती है, इसलिए ईरान का जवाब भी फौरन आएगा और दोगुनी ताकत से आएगा। ये बात नेतन्याहू को भी बता दी गई है। अब देखना है कि अगले 24 घंटों में ईरान और इसराइल के बीच क्या होता है। क्या इसराइल का जवाबी अटैक ईरान को पूरी तरह घुटनों पे ले आएगा या फिर घायल ईरान करेगा इसराइल की कमर तोड़ने वाला दूसरा हमला? गाजा युद्ध को 1 साल पूरा हो चुका है। 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर ऐसा भीषण हमला हुआ कि पूरी दुनिया हिल गई और हैरान रह गई। लेकिन उसके बाद से इसराइल लगातार हमास के साथ साथ हिजबुल्ला, हूती के ठिकानों पर भी हमले कर रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 1 साल से चल रही जंग में जीत आखिर किसकी हो? अक्टूबर 2023 को हमला, 1 साल से इजराइल का बदला। इजराइल पर हमास के बेहद खूनी हमलों का 1 साल पूरा हो चुका है। इजरायली सेना 1 साल से हमास के हमलों का बदला ले रही है, लेकिन 1 साल बाद भी हमास इजराइल के शहरों और इजरायली सेना पर हमला करने में जुटा है। आखिर हमास का पूरी तरह से सफाया इजरायल अब तक क्यों नहीं कर पाया, इसके बारे में हम आपको बताएं। लेकिन उससे पहले इन दो तस्वीरों से समझिए कि हमास और हिजबुल्ला से 1 साल की जंग में इजरायल बदला लेने में कितना कामयाब रहा है। पहली तस्वीर में हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल में घुसकर बेरहमी से हमला किया था, जिसकी वजह से दुनिया में कोहराम मच गया। हमास ने 5,000 रॉकेट से इजरायली शहरों पर हमले किए। दूसरी तरफ हिजबुल्ला ने 8 अक्टूबर 2023 से उत्तरी इसराइल पर कत्यूसा रॉकेट से भीषण हमले शुरू किए। 7 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2023 के दौरान ही 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए। 250 इजरायलियों और विदेशी नागरिकों को बंधक बनाया गया और तब से आज तक इजरायल की जंग हमास और हिजबुल्ला से चल रही है। हमास का सफाया हिजबुल्ला में
हाहाकार। हम आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं कि एक साल की भीषण जंग के बाद इजरायली सेना ने हमास और हिजबुल्ला को कितना नुकसान पहुंचाया है। इजरायल डिफेंस फोर्स ने एक साल पूरा होने पर युद्ध के जो आंकड़े जारी किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। 26,000 रॉकेट और मिसाइल से इजरायल पर हमले। इजरायल डिफेंस फोर्स ने माना है कि एक साल की जंग में उसके 728 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ इजरायली सेना का दावा है कि उसने हमास के 17,000 लड़ाकों को मार डाला है। IDF का ये भी कहना है कि अब तक इजरायल पर 26,000 रॉकेट दागे जा चुके हैं। इसके अलावा इजरायल डिफेंस फोर्स का दावा है कि उसने हिजबुल्ला के 11,000 ठिकानों को तबाह कर दिया है, जबकि गाजा पट्टी में 4,700 सुरंगें तबाह करने का दावा किया गया है। לפני שנה אנחנו ספגנו מכה איומה, וב-12 החודשים שעברו אנחנו משנים את המציאות מקצה אל קצה, וכל העולם משתאה מהמכות שאתם מנחיתים על אויבינו, ואני מצדיע לכם ואומר לכם, אתם דור הניצחון, יחד נלחם ויחד ננצח בעזרת השם. इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू लगातार अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने में जुटे हैं। इजरायली वायुसेना इस वक्त अंधाधुंध हमले कर रही है। गाजा से लेकर लेबनान तक चुन चुन कर टारगेट तबाह किए जा रहे हैं। जरा इजरायली सेना की तरफ से जारी किए गए ये आंकड़े देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि इजरायल एक साल बाद भी दुश्मनों पर हमले तेज क्यों करता जा रहा है। इजरायली दावों के मुताबिक गाजा की तरफ से हमास अब तक 13,200 रॉकेट और मोर्टार